हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्लासिक वियर चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2009 में आई मूवी द रोड को। इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अलग है। वीडियो के एंड में मैं आपको इस मूवी से जुड़े काफी ज्यादा फैक्ट्स भी बताऊंगा। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो अपने हॉर्स को लेकर गार्डन में खड़ा था। इस आदमी की एक छोटी सी फैमिली है जिसमें है इसकी वाइफ। ये दोनों शहर से दूर एक शांत जगह पर रहते हैं। यहाँ पर इन दोनों की एक अलग दुनिया है। सब कुछ काफी सही चल रहा था, लेकिन एक रात जब वो दोनों सो रहे थे तभी आदमी की आंख अचानक खुल जाती है। वो दोनों ही खिड़की के बाहर देखते हैं और देखते ही सुन हो गए थे, और यहीं से अपोक्लिफ्ट यानी प्रलय स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका रीजन हमें नहीं दिखाया गया। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जब कयामत को कई साल बीत चुके हैं, लेकिन इस आदमी को आज भी वो दिन याद आता है जब ये प्रलय स्टार्ट हुआ था। फिलहाल ये अपने बेटे के साथ भटक रहा है जो कि प्रलय से पहले पैदा भी नहीं हुआ था। इनकी हालत हमें बता ही रही है कि ये किस तरह गुजारा करते हैं। मूवी में हमें इन दोनों के नाम नहीं दिखाए गए, इसलिए हम इन्हें बुलाएंगे मैन और बॉय। इसकी वाइफ अब इसके साथ नहीं है, इसका मतलब ये कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ था। धरती की हालत को आप देख ही सकते हो, सब कुछ बंजर हो चुका है और सूरज का कोई नाम निशान नहीं, और आसमान में सिर्फ धूल के बादल हैं। बॉय अचानक जाग जाता है क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे भूकंप के झटके आ रहे थे, और ये इनके लिए कोई पहली बार नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया तबाह है, दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो कि सर्वाइव करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि एपोकलिप्स में इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है, और सूरज भी नहीं दिखता, इसलिए टाइम का एग्जैक्ट पता लगाना भी मुश्किल है। ये बाप और बेटे अभी तक बचे हुए हैं और ये बढ़ रहे हैं साउथ की तरफ, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वहाँ पर रहने के लिए इन्हें ठीक ठाक जगह मिल जाएगी। और एक और रीजन ये है कि ये लोग काफी टाइम से यहीं पर रह रहे थे, और यहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, और अब वो ज्यादा सर्दी नहीं झेल पाएंगे, ठंड से इनकी मौत हो जाएगी, इसलिए ये दोनों ही साउथ की ओर बढ़ रहे हैं। और ऐसा करने वाले ये अकेले तो नहीं होंगे। फिलहाल ये दोनों भूख से मर रहे हैं क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं बचा। छोटे से छोटी चीज जो भी इन्हें मिलती है इन्हें खाकर ये दोनों काम चला रहे हैं, और कई बार तो इन्हें हफ्तों तक भी भूखा रहना पड़ता है। फिर भी ये दोनों भूखे रहकर काम चला लेते हैं, लेकिन हर कोई इनके जैसा नहीं है। ये टाइम ऐसा है जहाँ पर ज्यादातर लोग आदमखोर बन चुके हैं, क्योंकि खाने के नाम पर अब कुछ भी नहीं बचा सिवाय इंसानों के, और इसी वजह से ये दोनों छुप कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ऐसे लोगों से टकरा गए तो वो लोग बॉय को खाना तो पसंद करेंगे ही, साथ ही उसका रेप भी करेंगे। लेकिन जब तक मैन जिंदा है वो ऐसा नहीं होने देगा। वो बॉय को हर एक ऐसी चीज सिखाता है जो ऐसे टाइम में जीने के लिए जरूरी है। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि जानवर और खेतों में अनाज कब के खत्म हो चुके। ये दुनिया धीरे धीरे मर रही है। अभी तो सब कुछ ग्रे है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सब कुछ ब्लैक हो जाएगा, और इस दुनिया में ऑक्सीजन भी कम बची है क्योंकि पेड़ सारे सूख गए, और वो दिन भी दूर नहीं जहाँ पर आखिरी पेड़ भी गिर जाएगा। खैर, वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर काफी सारा कैश और ज्वेलरीज बिखरी हुई थी, लेकिन अब इस चीज की वैल्यू नहीं, वैल्यू है सिर्फ खाने की, जो कि अब मिलता ही नहीं। मिलते हैं तो सिर्फ कंकाल, किसी को भूख ने मारा और किसी को आदमखोर इंसानों ने। खैर, ऐसे ही रात हो जाती है, और रात होने पर ये लोग जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर कैंप लगाकर वे दोनों ही आराम करते हैं। बॉय को बिजी रखने के लिए मैन उसे पुरानी कहानियाँ सुनाता है ताकि उसकी हिम्मत कम ना हो, क्योंकि पहली दुनिया तो इसने देखी नहीं, ये सिर्फ इमेजिन कर सकता है कि सूरज जैसी भी कोई चीज थी या जानवर भी रियल थे, जैसे हमारे लिए डायनासोर्स। उन्हें आग जलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी पूरी दुनिया जल रही है, और अपोक्लिप्स वाली दुनिया इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाई गई है। मूवी देखकर आप खुद भी सैडनेस फील कर सकते हो। वो दोनों आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं एक फार्म तक। फार्म पर उन्हें खाना तो नहीं मिलता, लेकिन मिल जाती है वहाँ पर रहने वालों की डेड बॉडीज। उन लोगों ने लटक कर सुसाइड कर लिया क्योंकि उनका खाना खत्म हो चुका था। भूख से मरने के बजाय इन लोगों ने ऐसे मरना पसंद किया। जैसे बचपन में हमारे लिए टॉयज को देखना नॉर्मल था, वैसे ही बॉय के लिए डेड बॉडीज को देखना नॉर्मल है। इन्हें रोज कुछ ना कुछ देखना पड़ता है। मैन के पास एक गन है जिसमें दो बुलेट्स बची हैं। वो बॉय को पिस्टल देकर सुसाइड करना सिखा रहा है, क्योंकि जब कोई चॉइस नहीं बचेगी तब उन्हें भी यही करना होगा। तो अब आ जाते हैं पास्ट में। बॉय के पैदा होने से पहले ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपोक्लिप्स से लड़ रहे थे। तब इनके पास सप्लाईज मौजूद थी, इसलिए इन्हें भटकना नहीं पड़ता था। इसी बीच बॉय पैदा हुआ। हालांकि इन दोनों को ही पता था कि ये दुनिया बच्चों के लिए ठीक नहीं, लेकिन फिर भी मैन उन दोनों का ख्याल रखने के लिए तैयार था। अब फिर से आ जाते हैं प्रेजेंट में। ये दोनों बैठकर कार में आराम कर रहे थे, तभी वहाँ पर पहुँच जाती है आदमखोरों की गैंग। उन्हें देखकर कार से निकलकर ये दोनों पीछे जाकर छुप गए, लेकिन वहाँ पर एक कैनिबल यानी कि आदमखोर पहुँच गया और उसने इन दोनों को देख लिया। उन दोनों को देखकर वो शोर नहीं मचाता क्योंकि मैन ने उस पर गन तानी हुई थी। मैन उस आदमी को वार्निंग देता है क्योंकि उसकी नजर बॉय पर थी। उस आदमी को लग रहा था कि मैन गोली नहीं चलाएगा, इसलिए वो बॉय को पकड़ लेता है, लेकिन वो गलत था। मैन सीधा ही उसे शूट कर देता है, जिससे बॉय शॉक हो गया था। बाकी कैनिबल्स ने भी गन शॉट सुन लिया, इसलिए मैन जल्दी से बॉय को उठाकर वहां से भाग जाता है। और यहां हम समझ पाते हैं कि मैन के लिए बॉय से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं। बॉय पर बात आते ही वो भूख प्यास भूलकर तेजी से भागने लगा, और अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसने गोली चला दी। कैनिबल्स उन्हें ढूंढ रहे
थे, लेकिन वो दोनों ही अच्छे से छुपे हुए थे। उनके जाते ही मैन बॉय के ऊपर से खून साफ कर देता है, लेकिन बॉय अभी भी रोए जा रहा था क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो भी किसी का शिकार बन सकता है। फिर वो दोनों ही अपना सामान लेने कार के पास वापस जाते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने आदमी तक को नहीं छोड़ा, वो उसे भी खा गए, तो इन दोनों को वो क्या ही छोड़ते। अब फिर से आ जाओ पास्ट में, जब ये हस्बैंड वाइफ साथ बैठे थे उस टाइम भी उन दोनों के पास 2 बुलेट्स बची थी और वाइफ सुसाइड करना चाहती थी बॉय के साथ, क्योंकि बॉय अब अच्छा खासा बड़ा हो चुका था और वो जानती थी कि कैनिबल्स इनके साथ क्या करेंगे। मैन को तो वो लोग खा जाएंगे, लेकिन माँ बेटे का तो वो रेप करेंगे। लेकिन मैन की नजर में सुसाइड गलत है। उसने अपनी वाइफ से वादा किया था कि मैं तुम्हें और बॉय को प्रोटेक्ट करूंगा, जो कि वो अब तक कर रहा है। लेकिन मॉम अब उनके साथ नहीं है, लेकिन हम मैन को अभी जज नहीं कर सकते। अब फिर से आते हैं प्रेजेंट में। वो दोनों आग जलाकर पानी उबाल रहे थे, लेकिन बॉय अभी भी उदास बैठा है। वो अभी भी उसी आदमी के बारे में सोच रहा है जिसे उसके डैड ने मार दिया। तब मैन बताता है कि वो अच्छा आदमी नहीं था, हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें बस बुरे लोगों से सावधान रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अगले दिन वो थोड़ा फिर से आगे बढ़ जाते हैं और इतने दिनों बाद इनके साथ कुछ अच्छा हुआ। उन्हें एक कोका कोला कैन मिल जाता है, मैन उस कैन को दे देता है बॉय को। यहाँ बॉय ने पहली बार लाइफ में कोल्ड ड्रिंक टेस्ट की और वो अपनी खुशी शेयर करना चाहता है। वो मैन को भी थोड़ी पीने के लिए दे देता है और यहाँ हम समझ गए कि बच्चा काफी इमोशनल है, इसे हर चीज की वैल्यू है और ये किसी को मारना पीटना नहीं चाहता। सेल्फिश तो ये है ही नहीं, लेकिन इसका ये नेचर इसे एक दिन मरवाएगा। और ये मूवी हमें छोटी छोटी चीजों की वैल्यू समझाती है, जैसे अभी हमारी दुनिया में अपोकलिप्स नहीं है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कोल्ड ड्रिंक टेस्ट नहीं की और हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। अब अगले दिन वो दोनों ट्रक में आराम कर रहे थे और अभी तक इन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। बॉय कहता है कि काश मैं अपनी मॉम के साथ होता, यानी कि वो कह रहा है कि मैं भी मर जाता। यहाँ फिर से पहुंच जाते हैं पास्ट में। एक टाइम पर बॉय की मॉम पूरी तरह निराश हो चुकी थी, ऐसे जीना उसे जीना नहीं लग रहा था और वो सर्वाइव नहीं करना चाहती थी। और एक रात बॉय के सोते ही उसने दुनिया से जाने का फैसला कर लिया। मैन ने उसे रोकने की कोशिश की, मैन रोया कि मैं बॉय को क्या जवाब दूंगा, लेकिन वो नहीं रुकी। वो सारे गर्म कपड़े उतार कर बाहर चली गई और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आई, वो ठंड से ही मर गई। और उसी के कहने पर ये दोनों साउथ की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी हुआ इसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, ना ही मैन को और ना ही वुमेन को। जब दुनिया ही खत्म हो रही हो तब जीने की इच्छा तो खत्म होगी ही। मैन ने काफी ट्राई किया लेकिन वुमेन को ये लाइफ पसंद नहीं आई, ऐसी लाइफ जीने से उसे मरना बेहतर लगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने सीधी मौत क्यों नहीं चुनी, इसने खुद को गोली क्यों नहीं मारी, क्योंकि इनके पास सिर्फ 2 ही गोलियां थी और वो जानती थी कि एक टाइम आएगा जब मैन और बॉय को भी सुसाइड करना पड़ेगा। और इन दोनों को आसान मौत देने के लिए उसने खुद ने आसान मौत नहीं चुनी। मैन के पास अब भी उसकी वेडिंग रिंग है, यानी कि मैन उसे भूला नहीं, वो बॉय से भी ज्यादा उसे याद करता है। और ये थी पूरी कहानी। वो दोनों ही आगे बढ़ते जा रहे थे और उन्हें मिलता एक ताजे पानी का झरना, और इस झरने के पास बॉय ने लाइफ में पहली बार रेनबो देखा। वहाँ पर एंजॉय करने के बाद वो दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें मिलता है एक घर और वो दोनों ही उस घर में घुस जाते हैं। घर के हालात देखकर वो समझ जाते हैं कि वहाँ पर कोई ना कोई रह रहा है और वो जो भी है वो अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंसानी सामान की कलेक्शन थी। उन्हें फ्लोर पर एक दरवाजा मिलता है जो कि लॉक था, यानी कि उस दरवाजे के नीचे कुछ है। वो दोनों ज्यादा देर नहीं लगाते और बाहर से टूल लाकर वो दरवाजा तोड़ देते हैं। और नीचे काफी अंधेरा था इसलिए वो दोनों ही लाइटर की रोशनी से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो दोनों ही एक कमरे में पहुंच जाते हैं और वहाँ जाते ही इनके होश उड़ गए थे और कमरे में काफी सारे लोग बहुत बुरी हालत में कैद थे, यानी कि ये घर कैनिबल्स का है और ये सब लोग है उसका खाना। वो लोग एक एक करके इनको खाते हैं और इनकी हालत हमें बता रही है कि इनको खुद को खाना नहीं मिलता। अब उनकी हेल्प करने के बजाय मैन जल्दी से बॉय को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तब तक वो कैनिबल्स वहाँ पर आ गए थे। उन्हें देखकर वो दोनों ऊपर जाकर छुप जाते हैं। मैन को यकीन हो गया था कि अब वो दोनों नहीं बचेंगे और मैन नहीं चाहता कि इनकी भी हालत नीचे बंद लोगों जैसी हो जाए, और बॉय की हालत तो खराब थी इसलिए वो खुद ही बॉय को जान से मार रहा था। लेकिन तभी एक आदमी बेसमेंट से बाहर आ जाता है जिस वजह से इन्हें मौका मिल जाता है भागने का। वो दोनों ही घास में छुप गए थे और रात होते ही वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर वो दोनों ही कीड़े मकोड़े खाकर सो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों पहुँच जाते हैं एक घर पर और ये घर स्पेशल है क्योंकि ये मैन के बचपन का घर है। अपना बचपन याद करके मैन खुद भी बच्चा बन गया। वो अपने बचपन की बातें बॉय को बता रहा था लेकिन बॉय के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ना ही उसने क्रिसमस देखा है और ना ही गर्मियों की छुट्टी। फिर मैन अपने कमरे में आराम कर रहा था और बॉय बाहर बैठकर ड्राइंग कर रहा था। बॉय बैठे बैठे ड्राइंग कर रहा था तभी उसे बगल वाले घर में कोई दिखाई देता है। वो भी बॉय की तरह एक छोटा सा लड़का था और बॉय को देखकर वो भाग जाता है। बॉय भी उसके पीछे भागने लगता है लेकिन इसकी आवाज सुनकर मैन भी वहाँ पर आ गया और उसने बॉय को रोक लिया और मैन ने उस लड़के को नहीं देखा। मैन को लग रहा था कि ये बॉय का वहम है। बॉय उस लड़के के पीछे जाने का ट्राई करता है लेकिन मैन उसे जाने नहीं देता। और यहाँ हम इसकी हालत समझ सकते हैं। पहली बार इसने अपने जितना कोई बच्चा देखा इसलिए वो उससे मिलना चाहता है और बात करना चाहता है। मैन किसी तरह उसे शांत करके फिर से आगे बढ़ने लगता है लेकिन इस बार इन्हें रुकना पड़ा बारिश की वजह से। ये दोनों ही भूख से मर रहे हैं और मैन
उसकी हिम्मत भी अब जवाब दे रही है। हम देखते हैं कि उसकी तबीयत खराब है, वो कुछ ज्यादा ही खास रहा है। खैर, इन बातों को भूलकर वो दोनों ही आगे बढ़ते रहते हैं। वो लोग फिर से एक घर में पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें ऐसा पियानो मिलता है जो पहले इनके पास भी था, और उन्हें एक बेड पर बच्चे का कंकाल मिलता है। कंकाल के ऊपर से चादर हटाकर मैन बॉय को ढक देता है। इन सब चीजों को देखकर उसे अपनी वाइफ की याद आ जाती है, और यहाँ वो खुद को रोक नहीं पाता। वो दुखी होकर रोने लगता है। हम इसके हालात भी समझ सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया में भटक रहा है जहाँ पर कोई भी फ्यूचर नहीं है। इसके साथ इसका एक बच्चा है जो कई दिनों से भूखा है। साथ ही उसे ये भी पता है कि वो ज्यादा टाइम तक उस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाएगा। शायद उसे कोई बीमारी है जो वो खुद महसूस कर सकता है, और वो जानता है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैन बॉय को अकेले सर्वाइव करने लायक बनाना चाहता है। उस घर में कुछ टाइम बिताने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल रहे थे। घर के बाहर मैन का पैर एक जगह पर पड़ता है जो कि नॉर्मल जमीन नहीं लग रही थी। सब कुछ हटाकर वो देखते हैं तो वहाँ भी एक सीक्रेट डोर था। सन यहाँ पर डर जाता है। लास्ट टाइम जब इन्होंने सीक्रेट डोर ओपन किया था तब हम जानते ही हैं कि क्या हुआ था। लेकिन फिर भी मैन दरवाजा खोलकर नीचे उतरता है, और नीचे उतरते ही उसका सारा दुख खुशी में बदल गया। वो एक बंकर था जिसमें खाने की भरमार थी। इन दोनों की सबसे बड़ी परेशानी थी खाना, जो इन्हें मिल गया। ये सप्लाई है किसी और लोगों की जो इसका फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन अब ये दोनों उठाएंगे। वो पागलों की तरह उस खाने को खा रहे थे। ये उन दोनों के लिए हेवन से कम नहीं। जब से बॉय पैदा हुआ है उसने पहली बार भरपेट खाना खाया है। इसका चेहरा देखकर हम इसकी सेटिस्फेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं। बॉय को खुश देखकर मैन भी खुश है। मैन बॉय को साफ करता है और नहा धोकर खुद भी रेडी हो जाता है। अब उन दोनों को लग रहा था कि वो जिंदा है। उनकी सारी टेंशन दूर हो गई। वो दोनों काफी मजे कर रहे थे। अब रोज की तरह वो दोनों खाना खा रहे थे, तभी उन्हें कोई हलचल सुनाई दी। वो उनके बंकर के ऊपर घूम रहा था। उन दोनों को लग रहा था कि वो कोई डॉग है, लेकिन कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मैन बॉय से कहता है कि अगर ये कोई डॉग है तो किसी न किसी इंसान के साथ होगा, यानी कि ये जगह रहने के लिए सेफ नहीं। उन दोनों को यहाँ से निकलना होगा, भले ही ये कितनी भी अच्छी जगह क्यों ना हो। मैन के हिसाब से इस स्वर्ग में मरने से बेहतर नर्क में जीकर बॉय के लिए स्वर्ग बनाना। वो लोग सही टाइम देखकर मैक्सिमम फूड इकट्ठा करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिल जाता है। इस आदमी का नाम है इलाई, और ये ठीक से देख नहीं सकता। इलाई उन दोनों की आहट पहचान लेता है। उसे लगता है कि ये दोनों चोर हैं, इसलिए वो अपना सामान उन्हें चेक करने के लिए दे देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैन इलाई से कहता है कि हम कोई चोर नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे हैं। बॉय को इलाई पर दया आ जाती है और वो उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन मैन साफ मना कर देता है। ये सुनकर बॉय सैड हो गया था, इसलिए मैन उस बूढ़े आदमी को एक फूड कैन दे देता है। अब खाना खाकर वो आदमी वहाँ से जा रहा था, लेकिन बॉय की आंखें अभी भी बहुत कुछ कह रही थी। बॉय उस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले जाना चाहता है। पहले तो मैन मना करता है, लेकिन आखिर में वो मान गया। यहाँ हमें एक बात समझनी होगी कि मैन कोई बुरा आदमी नहीं है। वो सिर्फ बॉय की भलाई चाहता है, क्योंकि उसने बॉय से ज्यादा दुनिया देखी है। अपोक्लिप्स के टाइम आपको हेल्प मांगने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन हेल्प करने वाला कोई नहीं। मैन बॉय से कहता है, इतने दिनों तक भूखा रहने के बाद उन्हें खाना मिला है, और ये ऐसे ही खाना बांटते रहे तो इनके पास क्या बचेगा। लेकिन बच्चे इतना सब नहीं समझते। वो तीनों ही साथ चल देते हैं। बॉय इलाई को ही अपने ग्रैंडफादर समझने लगता है, क्योंकि असल में उसने अपने ग्रैंडफादर को कभी देखा ही नहीं। रात को वो तीनों बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी इलाई बताता है कि मेरा भी एक बेटा था। इन तीनों के बीच कुछ बातें चल रही हैं जो बेसिकली चल रही हैं हमारे लिए। नेचर हमेशा हमें वार्निंग देती रहती है कि हम चाहे कितने भी पावरफुल हो जाए, हम नेचर से नहीं जीत सकते। लेकिन फिर भी इंसान नेचर की वार्निंग को इग्नोर करके सेम गलतियां बार बार दोहराता है, और अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन पृथ्वी का विनाश निश्चित है, और इसके जिम्मेदार इंसान ही होंगे। ऐसे ही सुबह हो जाती है, और अब बारी थी इलाई को अलविदा कहने की। अब वो दोनों पहले की तरह आगे बढ़ेंगे। उन दोनों को ही बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो दोनों ही आगे बढ़ रहे थे, तभी रात बिताने के लिए उन्हें अच्छी जगह मिल गई। वो अपने खाने की ट्रॉली को छुपा देते हैं, लेकिन मैन नोटिस करता है कि वो लोग कैनिबल्स के इलाके में आ गए। वो लोग जल्दी से वहां से निकल रहे थे, तभी वो देखते हैं कि कैनिबल्स दो माँ बेटी का पीछा कर रहे हैं, और मैन उसे बचा नहीं सकता, इसलिए वो दोनों ही उनके सामने मारी गई। अभी वो दोनों मरी हैं, क्या पता कल वो भी मारे जाएं। वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि तभी वहाँ पर अचानक भूकंप के झटके स्टार्ट हो जाते हैं। भूकंप के झटके इतने पावरफुल थे कि एक एक करके सारे पेड़ गिर रहे थे, लेकिन मैन किसी तरह से खुद की और बॉय की जान बचा लेता है। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं एक चर्च में, और ये रात इनकी वहाँ पर कट गई। सुबह मैन उठता है तो उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। अब तो उसकी खांसी में भी ब्लड आने लगता है।
ये देखकर बॉय डर भी रहा था और मैन को संभाल भी रहा था। इनके पास एक मैप है और ये लोग इसी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल वो लोग जा रहे हैं समंदर के किनारे क्योंकि वो नजदीक भी है और क्या पता वहाँ पर इन्हें जरूरत का सामान भी मिल जाए। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों समंदर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन समंदर भी बिल्कुल वीरान था जमीन की तरह। खैर वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं और रात वहीं पर गुजारेंगे। रात हो जाती है और बॉय की तबीयत भी खराब होने लगती है। वो उल्टी कर रहा था और साथ ही उसे बहुत तेज बुखार भी था और इस प्रॉब्लम में बारिश भी आ जाती है। मैन किसी तरह टेम्पररी छत बनाकर बॉय को उसमें सुला देता है। बॉय मैन से पूछता है कि अगर मैं मर गया तो आप क्या करोगे। मैन भी तुरंत कह देता है कि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा, मैं जी के क्या करूंगा। अगली सुबह मैन को एक खराब शिप दिखाई देता है। वो बॉय को गन देकर सामान की रखवाली करने के लिए कहता है और खुद चला जाता है पानी में, लेकिन बॉय तो बच्चा है इसलिए उसकी आंख लग जाती है। तभी अचानक कोई चाकू लेके उसके पास आता है। जब मैन वापस आता है तो वहाँ से सब कुछ गायब था, उनका सारा सामान, खाना, छत और इनके जूते भी। हालांकि वो जो भी था उसने बॉय को नुकसान नहीं पहुंचाया। बॉय भी तुरंत उठ जाता है और सामान को ना देखकर वो अपने डैड से माफी मांगता है। मैन कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। मैन बॉय को उठाकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो आदमी उन्हें मिल जाता है। मैन उस पर गन तान देता है और बदले में वो चाकू निकाल लेता है, लेकिन गन के सामने चाकू कुछ भी नहीं, इसलिए वो सरेंडर कर देता है। वो कहता है कि अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी यही करते। मुझे बहुत भूख लग रही थी इसलिए मैंने खाना चुरा लिया, मैंने तुम्हारे बच्चे को छुआ तक नहीं। और ये बेचारा तो सच कह रहा है, ऐसे हालातों में हम भी यही करते। लेकिन मैन को उसके ऊपर विश्वास नहीं। मैन उसके जूते और कपड़े उतरवा देता है और यहाँ बदला पूरा हुआ। जैसे उसने इन्हें छोड़ा था इसी तरह मैन ने उसका सब कुछ लेकर उसे छोड़ दिया। लेकिन बॉय को ये बात पसंद नहीं आ रही। बॉय कहता है कि वो काफी डरा हुआ था और ठंड की वजह से वो मर जाएगा। मैन कहता है कि जितना वो डरा हुआ था उससे कहीं ज्यादा डरा हुआ हूँ मैं। मैन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि खुद से ज्यादा वो बॉय के लिए डर रहा है। खैर थोड़ा आगे बढ़ने पर उस आदमी के कपड़े मैन ने वहाँ पर रख दिए और साथ ही एक फूड कैन भी। जब वो आदमी वहाँ से गुजरेगा तो उसे ये सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ने पर वो दोनों पहुँच जाते हैं एक डिस्ट्रॉय टाउन तक। दोनों बाप बेटे वहाँ पर छानबीन कर रहे थे, तभी एक एरो आकर मैन के पैर में लग जाती है। यहाँ मैन बुरी तरह इंजर्ड हो गया। वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं, तभी एक और एरो फायर होती है। वो फायर हो रही थी सामने वाली विंडो से और मैन ने भी उसे देख लिया। वो जल्दी से उस विंडो पर फ्लेयर गन चला देता है और वो सीधा निशाने पर जा लगी। वो दोनों ऊपर जाते हैं और ऊपर मौजूद थे हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड फ्लेयर गन की वजह से मर चुका था और वाइफ उसके पास बैठकर रो रही थी। मैन को लग रहा था कि ये उन्हें फॉलो कर रहे हैं और उन्हें भी सेम यही लग रहा था, लेकिन असल में कोई भी एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा था। इसकी वजह से एक जान चली गई, लेकिन मैन को इसका कोई पछतावा नहीं क्योंकि बॉय को इसने बचा लिया। एक शॉप में बैठकर वो तीर को बाहर निकालता है और इसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर ही मैन की हिम्मत जवाब दे गई। वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसकी बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी, साथ ही उसे एक बीमारी है जो धीरे धीरे इसकी जान ले रही है और अब इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। वो वही पास पड़ी सैंड पर लेट जाता है और वो अपना आखिरी टाइम आराम करके बिता रहा था। वो बॉय से भी बहुत सारी बातें करता है और साथ ही अपनी वाइफ को भी याद करता है। यहाँ इन दोनों के बीच चल रही बातें काफी इमोशनल है। बॉय उम्मीद लगाकर बैठा है कि उसका डैड फिर से उठकर चलने लगेगा, जो कि अब तक होते आया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मरने से पहले मैन बॉय को बता रहा है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। बॉय तो ये सब कुछ सुनकर रो ही रहा था क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में वो अकेला कहाँ घूमेगा और कितने दिन जिंदा रहेगा। अभी तक तो उसके साथ एक कवच था, लेकिन आगे का क्या। बॉय अपने डैड से कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन इस पर मैन का कोई जोर नहीं क्योंकि वो खुद ही बेबस है क्योंकि वो अपने बेटे को मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया। रास्ते में ही वो उसे अलविदा कह रहा है। वो उस प्रॉमिस को याद करके रो रहा था जो इसने अपनी वाइफ से किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन अब प्रॉमिस टूटता दिख रहा है। बॉय मैन से लिपट कर सो जाता है, मानो वो उसे जाने से रोक लेगा, लेकिन सच्चाई मैन जानता है इस पर किसी का जोर नहीं। अगली सुबह बॉय उठ जाता है, लेकिन उसके डैड नहीं उठते, वो हमेशा के लिए सो चुके। इस बात से वो काफी दुखी था क्योंकि उसे नहीं पता कि अब वो क्या करेगा। ये पूरा दिन वो वहीं पर बैठकर बिता देता है। अगले सुबह वो अपने डैड को कवर करके अपने साथ गन लेकर समंदर के किनारे जाता है। बॉय के दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी। इतने सालों तक इस सन्नाटे में उसके डैड की आवाज ही थी जो इसके लिए राहत थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं सुनाई देगी। चारों तरफ खामोशी है। वो परेशान होकर खड़ा था, तभी वो देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वो बिना देर किए जल्दी से उस पर गन तान देता है, जैसा कि उसके डैड ने सिखाया था, लेकिन वो आदमी उसे मारना नहीं चाहता। वो आदमी कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन बॉय को उसके ऊपर विश्वास नहीं। बॉय कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। वो आदमी कहता है कि तुम मान नहीं सकते, तुम्हें चांस लेना होगा क्योंकि तुम्हारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं। वो आदमी बताता है कि हम तुम दोनों को काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता थी। हमसे इसका मतलब है इसकी फैमिली।
फैमिली, जिस फैमिली में इसकी वाइफ, एक बड़ा बेटा, एक बेटी और एक डॉग, यानी कि उस रात बंकर के ऊपर से यही फैमिली गुजरी थी। और ये वही लड़का है जिसे बॉय ने देखा था। अब बॉय चाहे तो इनकी फैमिली का हिस्सा बन सकता है, जिससे ऐसी वीरान दुनिया में इसके बचने के चांस भी ज्यादा होंगे और इसे जीने का एक मोटिव मिलेगा। बॉय ने फैसला कर लिया। वो अपने डैड को जाकर बाय बोलता है और कहता है कि मैं रोज आपसे बात करूंगा और आपको कभी नहीं भूलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बॉय की अच्छाई का फल है जो इसे एक अच्छा परिवार मिल गया, माँ बाप, भाई बहन और एक डॉग भी। अब बॉय इस फैमिली के साथ नई स्टार्टिंग करेगा और अपने डैड की सिखाई गई बातें इन्हें भी सिखाएगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ओवरऑल मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा परफेक्ट और यूनिक है, लेकिन प्लस पॉइंट है इस मूवी के मैसेजेस। हर एक छोटी छोटी चीज से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। ओवरऑल ये मूवी दिखाती है एक फादर की लाइफ का स्ट्रगल, कैसे वो अपने बच्चों को पालता है और लाख मुश्किलों के बाद भी वो हार नहीं मानता और एक दिन ऐसे ही बिना कुछ कहे दुनिया से चला जाता है। मैन ने बॉय को संभाला, उसे सब कुछ सिखाया और बॉय सीखी हुई बातें लागू करेगा, तब जाके वो खुद भी मैन बनेगा। और ऐसे ही ये साइकिल आगे बढ़ती रहेगी। तभी इस मूवी का नाम है द रोड। मूवी का नाम ही हमें बता रहा है कि लाइफ एक रोड है। इस मूवी के एक एक मैसेज हम रियल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम बचा है, लेकिन टाइम तो बहुत कम है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और मुझे मोटिवेशन।